जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि है दोस्तों झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिसको बोलते हैं JFWCE, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। आज से दोस्तों कुछ दिन पहले 510 सीट के लिए ये वैकेंसी आया था, आप लोगों ने फॉर्म भी इसका भर दिया होगा। अब इसके एग्जाम में ज्यादा टाइम दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, आपको तैयारी में एकदम लग जाना चाहिए। देखिए हम लोग मेनली बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि पेपर वन में आपको क्या पढ़ना है, पेपर टू में क्या पढ़ना है, पेपर थ्री में क्या पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि फाइनल जो मेरिट है वो आपका कैसे बनेगा, कैसे मेरिट लिस्ट बनाएगा, क्षेत्रीय भाषा का क्या रोल रहेगा, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा ही मेन रोल यहां पर निभाएगा आपके सिलेक्शन में। साथ ही साथ किस पेपर में कितना नंबर लाना होगा, पेपर वन में कितना लाना होगा, पेपर टू में कितना लाना होगा और पेपर थर्ड में कितना लाना होगा, आखिर इसके लिए क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बुक वगैरह होगा हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है डिटेल्स आपको समझाएंगे और परीक्षा आपका कितना चरण में होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इतना जो लिखे हैं ना, इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारा बात बताएंगे इस वीडियो में। तो यदि आपने झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भर दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों कि परीक्षा कितना चरण में होगा, कितने स्टेज में आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका एग्जाम जो है ना एक चरण में है, सिंपल एक प्रोसेस है। इस वैकेंसी में दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इसलिए रहेगा क्योंकि इस पर फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ना टाइपिंग टेस्ट है, ना स्किल टेस्ट है, ना ड्राइविंग टेस्ट है, ना ही आपका दौड़ है, ना हाइट चेस्ट रनिंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम होगा और वो भी सिंगल एग्जाम, एक ठो एग्जाम आपको देना है। तो इसका जो स्टेज है दोस्तों, टोटल कितना स्टेज से आपको गुजरना होगा, तो केवल एक ही स्टेज है, सिर्फ परीक्षा है। अब आप कहेंगे कि सर डीवी भी तो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप ही बताओ ऐसा कौन सा वैकेंसी है जिसपे डीवी नहीं होता है। सब वैकेंसी में तो कागज पत्र चेक करेगा ही ना कि आप सही हो कि गलत हो, तो वो अलग सी बात है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यहां पर दोस्तों सिंपल एक तो एग्जाम है, आपको नौकरी मिलेगा। तो कितना चरण में एग्जाम होगा, एक चरण में। अब बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। समझिए सिलेबस को समझना जरूरी है। एक ही दिन तीन शिफ्ट में आपका परीक्षा होगा, ठीक है, एक ही दिन तीन टाइम में आपका परीक्षा होगा, दो दो घंटा का, ठीक है। देखिए पेपर वन होगा, पेपर टू होगा और पेपर थ्री होगा, ठीक है। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, तीनों में आपको अपियर होना है, तीनों का एग्जाम आपको देना है, तीनों में दो दो घंटा टाइम रहेगा और तीनों में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इस बात को जान लीजिए, ठीक है। देखिए पेपर वन की बात करेंगे तो ये आपका भाषा ज्ञान पेपर है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज नॉलेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट करेगा आपका। इस पर देखिए 120 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन तीन तीन नंबर, तो 360 नंबर हो गया, 120 क्वेश्चन गुना 360 नंबर हो गया। और हाँ, आपका एग्जाम OMR मोड में ले रहा है, ठीक है। देखिए समय आपको मिलेगा 2 घंटा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1 क्वेश्चन को सही करोगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, क्लियर है। देखिए पासिंग मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इस पर 30% नंबर लाना एकदम कंपलसरी है। यदि आप 30% नंबर नहीं लाइएगा तो आपका ये दोनों पेपर चेक नहीं किया जाएगा, समझ लीजिए फिर से, यदि आप पेपर वन में 30% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका पेपर टू और पेपर थ्री चेक नहीं किया जाएगा। पेपर वन सिर्फ पास करने के लिए है, पेपर वन में ज्यादा मार्क्स लाके कोई फायदा नहीं है, पेपर टू और पेपर थ्री आपका मेन है, पेपर टू और पेपर थ्री आपका मेन है। हालांकि याद रखिएगा पेपर टू और पेपर थ्री में भी 30% तो लाना ही लाना है, उससे कम लाने पर मेरिट में मिलाएगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन पेपर वन में 30% ले आइएगा तो आपका काम चल जाएगा। और इस सब में दोस्तों आप जितना ज्यादा नंबर ला सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि पेपर टू और पेपर थ्री यही दो पेपर है जो आपका रिजल्ट को बनाएगा, आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, यही दोनों से आपका मेरिट बनेगा, क्लियर है। देखिए तो पेपर वन समझ में आ गया, अब बात करेंगे पेपर टू। पेपर टू है क्षेत्रीय भाषा पेपर। देखिए अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है। देखते हैं इस वीडियो के कमेंट में झारखंड में जो ये वैकेंसी निकला है कितने विद्यार्थियों ने कौन सा भाषा लिया है, एक सर्वे करते हैं। चलिए तो आप सभी कमेंट में फटाफट लिखिएगा, हिंदी है कि उड़िया है कि खोटा है कि संथाली है,
क्या आपने चुना है कमेंट में बताइएगा, और आप बोलिएगा कि सर इस पर मुझे प्रॉब्लम है पेपर टू में, इस पर बताइए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जरूर बनाएंगे। जैसे कि खोटा का अलग वीडियो बना देंगे, हिंदी का अलग बना देंगे, इंग्लिश का अलग बना देंगे, तो आप कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कि आपका लैंग्वेज क्या है, आपने क्या चुना है। तो क्षेत्रीय भाषा पेपर सबका अलग अलग है, सब विद्यार्थी अलग अलग भाषा यहाँ पर चुना होगा, कोई बांग्ला चुना होगा, कोई खोटा चुना होगा, कोई उड़िया चुना होगा, कोई पंच परगनिया चुना होगा, तरह तरह के विद्यार्थी, कोई संथाली चुना होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन तीन तीन नंबर, 300 नंबर हो गया, ठीक है। एक चीज दोस्तों यहां पर आपको हम बताना भूल गए, देखिए ये जो 120 क्वेश्चन है ना, हिंदी से पूछेगा 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से पूछेगा 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर हिंदी में लाना है कि इंग्लिश में, तो दोनों मिला के लाओ या फिर एक ठो में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों मिला के लाना, आसानी से हो जाएगा। यदि इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश को छोड़ देना, हिंदी से सिर्फ पास कर जाना, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अब पेपर टू में बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, 300 नंबर हो गया, 100 × 3 = 300, समय आपको वही 2 घंटा इस पे भी मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे भी रहेगा, ठीक है। ये पेपर आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है, मेरिट में जुड़ेगा। इसके बाद पेपर थ्री की बात करेंगे तो देखिए पेपर थ्री कॉमन पेपर है, सामान्य पेपर है, सबके लिए रहेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 360 नंबर हो गया, समय आपको मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव रहेगा 1/3, ठीक है। जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके बहुत ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन और साइंस से पूछेगा 20 क्वेश्चन। झारखंड का ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसपे रीजनिंग नहीं है, ठीक है, जिसपे रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो ये सब सब्जेक्ट से आपको डर लगता था ना, तो आप बच गए। देखिए रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए 40 और 50, 90 और 100 और 20, 120 क्वेश्चन हो गया, ये भी मेरिट में जुड़ेगा, ये भी क्या होगा, मेरिट में जुड़ेगा। तो पेपर टू और पेपर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि आप पेपर वन में 30% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका पेपर टू और पेपर थ्री खोलेगा भी नहीं, ऐसा धारा का धारा रह जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, तो मेरिट आपका कैसे बनेगा, ये दोनों मिला के बनेगा। तो यहां पर हो गया 300 नंबर पेपर टू में, ठीक है, और पेपर थ्री में 360 नंबर, ये हो गया पेपर थ्री में, टोटल कितना हो गया 660 नंबर पर आपका कट ऑफ बनेगा। कितना बनेगा, 660 नंबर पर ही आपका कट ऑफ बनेगा। इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका काम यही खत्म हो गया। अब देखिए इसका सिलेबस आप समझ गए, किस पेपर में कितना लाना होगा। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, पेपर वन में हमने आपको बता दिया सिर्फ 30% लाइए, उतना ही आपको पढ़ना है। पेपर टू की बात करेंगे, देखिए पेपर टू में आपको कितना लाना है, 300 नंबर है ना, तो 300 में से दोस्तों बहुत आसान है होता है पेपर टू, यदि आप तैयारी कीजिएगा तो। मैट्रिक में यदि हिंदी पढ़े होंगे और यदि याद होगा तो उसी से तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यदि हिंदी होगा तो। और खोटा सा भाषा दोस्तों आसान है, यदि आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो पेपर टू में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पेपर टू में दोस्तों 300 में से कम आपको 280 नंबर लाने का कोशिश करना है, ठीक है, 280-270 नंबर एकदम लाना ही लाना होगा, क्योंकि एक से एक धुरंधर इस एग्जाम में बैठेंगे। अभी जेपीएससी में जिसका नहीं हुआ, सीजीएल अभी एग्जाम होने वाला है, उस सब विद्यार्थी भी इस पे बैठ रहा है, जेएफडब्ल्यूसी में, इस फील्ड वर्कर में, ठीक है, तो एक से एक धुरंधर बैठेगा एग्जाम में। कट ऑफ कम का उम्मीद मत रखना, ठीक है, क्योंकि इस पे ना कोई क्राइटेरिया है, ना दौड़ है, ना हाइट है, ऐसा वैकेंसी कौन छोड़ेगा आप बताओ। तो मेहनत तो लोग जी जान से कर रहे हैं, तो कट ऑफ एकदम बहुत ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है। तो 280 नंबर आपको पेपर टू में लाने का चेष्टा करना है, और पेपर थ्री में 360 नंबर है ना, तो 360 में से आप कोशिश कीजिए कि 300 आप किसी तरह स्कोर कर पाए। तो इतना मान के चलेंगे 280 और 300 लगभग 500 कितना हो गया, 580 नंबर दोस्तों आपको लाने का ट्राई करना है। इससे कम यदि आता है तो आप दुविधा में फंस सकते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना यदि आ जाता है तो एकदम चांस बनता है कि आपका होने का संभावना तो है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं, इतना आपको लाने की कोशिश करना है, आप सेफ रहिएगा, ठीक है। तो किस पेपर पे कितना लाना हमने आपको बता दिया। अब देखिए पेपर वन में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। पेपर वन तो क्वालिफाइंग है, उस पर ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है,
लेकिन यदि हल्के में लीजिएगा तो वो उसमें यदि फेल हो जाइएगा तो पेपर टू पेपर थ्री धरा का धरा रह जाएगा। तो पेपर वन में भी दिमाग लगाना है। पेपर वन के लिए आपको सबसे बढ़िया हम आपको सोर्स बताते हैं, जेएसएससी का जितना भी टेंथ लेवल का एग्जाम हुआ है या ट्वेल्थ लेवल का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सबका पेपर वन आप उठा के ले आओ, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो नेट से, यूट्यूब पे देख लो। पेपर वन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, काफी है, ज्यादा एक्स्ट्रा उस पर पढ़ने का जरूरत नहीं। कोई भी एक तो गाइड खरीद लोगे ना तो उस पर भी पेपर वन का दिया रहता है, तो पेपर वन में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे ना तो आपको पता चलेगा अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, पैसेज पूछेगा, उल्टा शब्द पूछेगा, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, मुहावरा, ये सब नहीं आता है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो पेपर वन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पेपर टू की बात करेंगे, बहुत दिमाग लगाना है पेपर टू में, पेपर टू ही मेन है दोस्तों। पेपर थ्री और पेपर वन तो सबका बराबर रहेगा, लेकिन पेपर टू सबका अलग अलग रहेगा। आपको जेएसएससी ने एक ऐसा मौका दिया है कि आप सबसे अलग हो जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए, आप सबसे अलग हो जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए। हम खोट्ठा ले लिए, आप संथाली ले लिए, अब संथाली वाला ज्यादा नंबर ले आएगा, खोट्ठा वाला उससे ज्यादा ले आएगा, हिंदी वाला सबसे ज्यादा ले आएगा, इंग्लिश वाला और ज्यादा ले आएगा। तो इस तरह सबका अपना अपना अलग अलग है, कोई ज्यादा लाएगा कोई कम लाएगा, तो सब अपना अपना तैयारी के हिसाब से नंबर लाएगा। तो पेपर टू दोस्तों बहुत जरूरी, यही पेपर टू आपको बिगाड़ेगा या फिर आपका रिजल्ट बना देगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को हम जो बता रहे हैं, ठीक है। तो पेपर टू में क्या पढ़ना है, तो अब बात करेंगे पेपर टू के लिए। देखिए पेपर टू में आपको एकदम बढ़िया से दिमाग लगा के किताब खरीदना है और एकदम तैयारी करना है दोस्तों, क्योंकि पेपर टू में मार्क्स लाना आसान है और बहुत जरूरी भी है मार्क्स लाना, ठीक है। पेपर टू में यदि खराब मार्क्स आ गया ना तो आपका रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा, समझ में आ गया। तो पेपर टू में जैसे कि यदि आपका हिंदी है तो आप क्षितिज और कृतिका टेंथ क्लास का एनसीईआरटी है वो पढ़ोगे, यदि आपका संथाली है, यदि आपको खोट्ठा है, तो इस सबके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस सबका बुक देखना पड़ेगा कौन सा बुक बढ़िया है नहीं है, तो इस सबके बारे में हम वीडियो लेकर के बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। तो पेपर टू आप भी YouTube पे सर्च कीजिएगा कि खोट्ठा का क्या चल रहा है, नागपुरी का क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा भाषा है ना तो सबका अपना अपना देखना पड़ेगा। देखिए तो पेपर थ्री की बात करेंगे, पेपर थ्री भी बहुत जरूरी है। देखिए पेपर थ्री में क्या है, जीके है और करंट अफेयर। जीके मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ जीके, जीके मतलब जीके प्लस करंट, स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों पूछेगा, ठीक है। और झारखंड जीके, झारखंड बहुत ज्यादा वेटेज है दोस्तों, सेंट्रल जीके में जितना नंबर नहीं ला पाओगे ना उतना झारखंड जीके में नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड जीके का एरिया लिमिटेड है और सेंट्रल जीके एक समंदर की तरह है, बहुत कुछ है। ऐसे झारखंड में मतलब कंटेंट यहाँ पर एक हिसाब से कम है ना, क्योंकि स्टेट भर का ही आपको जानकारी लेना है और पूरा इंडिया भर का यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछ रहा है और झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यही तो 90 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और मैथ 10 तो पूछ रहा है, मैथ यदि टफ भी लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और साइंस से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस सब में भी आपको बढ़िया से दिमाग लगाना है। इस सब के बारे में हम खैर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि जीके का क्या सोर्स रहेगा, झारखंड का क्या सोर्स रहेगा, मैथ तो ऐसे भी छोड़ भी सकते हो आप, साइंस के लिए क्या सोर्स रहेगा, एक एक नंबर का बहुत वैल्यू रहेगा। जहां तक मुझे लगता है कि मैथ जो है ना टेंथ का एनसीईआरटी यदि पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आखिर इस सबके लिए आप क्या क्या पढ़िएगा, बहुत जरूरी जरूरी बात बताएंगे। फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, तो पेपर टू और पेपर थ्री को जोड़ देगा, 660 नंबर में से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। क्षेत्रीय भाषा आपका रिजल्ट बना देगा या फिर आपका रिजल्ट बिगाड़ देगा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, और पेपर थ्री और पेपर टू के बारे में हम एक एक करके वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा भाषा पेपर है, ठीक है, तो बहुत जल्द इस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।